फ्रेंड्स, प्रभास इस वक्त फुल ऑन डिमांड में है। साल 2023 की शुरुआत में उनकी 700 करोड़ी फिल्म आदिपुरुष आई, जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। उस पर जो विवाद हुआ वो अलग प्रभास के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया था। ऐसे में साल के आखिर में उन्होंने एक और फिल्म लाने का ऐलान कर डाला, जो थी सलार। फिल्म लाना बड़ी बात नहीं थी, पर शाहरुख खान की फिल्म से क्रेश होना बड़ा खतरा था। पर ये बाजी प्रभास ने जीत ली। इस फिल्म ने 615 करोड़ का कारोबार किया, तभी से लेकर वो अपने अगले प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा में बने हैं। उनके खाते में कई बड़ी फिल्में हैं। प्रभास पर कई करोड़ों का दाब लगा है। नागा असवनी की कल की 2898 AD इसी साल आने वाली है। वहीं संदीप रेड्डी बागा की स्प्रिट पर अब तक काम शुरू नहीं हुआ है। लिस्ट में द राजा साहब, कनप्पा और सलार 2 शामिल है। हालांकि कुछ फिल्मों में उनका बस कैमियो होने वाला है। फ्रेंड्स, शुरुआत इस साल की मच अवेटेड फिल्म से करते हैं। फ्रेंड्स, 27 जून को फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। हाल ही में नई रिलीज डेट का ऐलान हुआ था। पहले फिल्म 9 मई को आने वाली थी, पर लोकसभा चुनाव को देखते हुए इसे बदलने का फैसला लिया गया। प्रभास के अलावा फिल्म में दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, कमल हसन भी नजर आने वाले हैं। सभी के रोल को लेकर लगातार अपडेट्स मिल रहे हैं। जहां अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा के रोल में है, तो एक रिपोर्ट से पता लगा था कि कमल हसन कंस का किरदार निभाने वाले हैं। जल्द उनका फिल्म से पोस्टर लुक जारी कर दिया जाएगा। नंबर 2, राजा साहब। इस हॉरर थ्रिलर फिल्म को मारुति डायरेक्ट कर रहे हैं। 2 करोड़ में बन रही इस फिल्म की प्रभास शूटिंग शुरू कर चुके हैं। बीते दिनों फिल्म के सेट से प्रभास की तस्वीर भी लीक हुई थी। वो डायरेक्टर के साथ दिखाई दे रहे थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिक्चर में प्रभास का 3 एक्ट्रेसेस के साथ डांस नंबर होने वाला है। इसमें निधि अग्रवाल, मालिका मोहन और रिद्धि कुमार का नाम शामिल है। नंबर 3, स्प्रिट। संदीप रेड्डी बागा जल्द ही प्रभास के साथ अपनी अगली पिक्चर बनाने जा रहे हैं। ये प्रभास की 25वीं फिल्म होगी। 300 करोड़ी इस फिल्म की शूटिंग राजा साहब के बाद शुरू होनी थी, पर अब सलार 2 के चलते ये अटक सकती है। कुछ वक्त पहले ऐसा पता लगा था कि इस फिल्म को पूरा करने के लिए उन्होंने रणबीर कपूर की एनिमल पार्क को आगे खिसकाया है, पर अब इसकी शूटिंग शुरू होने में भी वक्त लग सकता है। नंबर 4, सलार 2। इस वक्त प्रभास की इस फिल्म को लेकर सबसे ज्यादा अपडेट्स सामने आ रही हैं। कुछ वक्त पहले कियारा आडवाणी की फिल्म से जुड़ने की खबर सामने आई थी, पर बाद में पता लगा कि वो फिल्म से नहीं जुड़ रही। मेकर्स ने पहले साल 2025 में फिल्म रिलीज करने का फैसला किया था, पर अब इसे बदल दिया गया है। सलार पार्ट 2 चोरिया गर्ग पर्व की शूटिंग इसी महीने मई के आखिरी में शुरू हो जाएगी। फिलहाल प्रभास शूटिंग में शामिल नहीं होंगे, वो जुलाई में टीम के साथ जुड़ेंगे। डायरेक्टर प्रशांत नील अक्टूबर नवंबर तक फिल्म की शूटिंग खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं। नंबर 5, कनप्पा। मोहन लाल की फिल्म कनप्पा में प्रभास का कैमियो होने वाला है। फिलहाल वो दूसरी फिल्म की शूटिंग में बिजी है, हालांकि जल्द ही इसकी शूटिंग शुरू कर देंगे। OTTPlay.com के एक रिपोर्ट छपी है, इसके प्रभास ने फिल्म के लिए 3 दिन की डेट्स दे दी है। मई के दूसरे हफ्ते में वो टीम से जुड़ने वाले हैं। पता लगा है कि प्रभास वाले हिस्से के लिए एक स्पेशल सेट लाया जा रहा है। मुकेश कुमार सिंह की इस फिल्म का अगला शेड्यूल शुरू हो चुका है। हालांकि फ्रेंड्स, आप इन मूवीज में से कौन सी मूवीज को देखना ज्यादा पसंद करेंगे और किस मूवीज को देखने के लिए आप ज्यादा एक्साइटेड है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और